नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह, होम प्रोडक्ट गुरु से आप देख रहे हैं। ये चैनल होम प्रोडक्ट गुरु है। तो यहां पे देख सकते हैं कि ये सरफ की फैक्ट्री है, छोटा मोटा सरफ की फैक्ट्री चल रही है। यहां पे मजदूर, ये सारे मजदूर काम कर रहे हैं। तो मैं एक मजदूर से बात करना चाहता हूं कि इस फैक्ट्री में इनको कितना सैलरी मिलता है और कैसे काम करते हैं। तो हाँ भाई साहब, मजदूर जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए इसमें आपको कितना तनख्वाह दिया जाता है? 10,000 रुपया मिलता है महीने का। अच्छा, तो काम कितना देर किया जाता है? काम 12 घंटा। अच्छा, तो ये काम सही चल रहा है कि नहीं? सही चल रहा है, डेली 2 क्विंटल बना के भर देते हैं लोग। अच्छा, सेल डेली 2 क्विंटल हो जाता है? हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरफ का ढेरी लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो मोटा मोटा हो गया है उसको चाल कर, इसको तौल कर यहाँ पे सिलाई पैकिंग हो रहा है। यानी 2.5 किलो का पैकिंग ये हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2.5 किलो का पैकिंग है। तो चलिए हम मालिक से भी बात करते हैं कि मालिक का क्या कहना है, इस बिजनेस से उनसे क्या प्रॉफिट है, ये सारा कुछ हम जानेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मालिक को यहाँ पे ले आया जहाँ पे काम शुरू हो रहा है। आप थोड़ा बैठ जाइए ताकि कैमरे में आपका चेहरा भी आए। तो हम जानना चाहते हैं कि आप ये फैक्ट्री जब खोले हैं तो किस स्थिति में खोले हैं, कैसे खोले हैं, थोड़ा से ज़्यादा किए हैं या ज़्यादा से थोड़ा हो गया है, ये आप हमके बताइए। मैं जब ये फैक्ट्री खोला था तो समझ लीजिए कि फैक्ट्री नहीं था। मैं खुद उस समय मैं 3,500-3,500 का सामान लेके आया था। अच्छा, तो लोकल सामान लाया था मैं नज़दीक से। तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से पहले बनाया करता था। ठीक है, तो ये 2 साल के अंदर लगभग मेरा फैक्ट्री डेली का 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल अभी तत्काल में बेच रहा हूँ। तो खाली सर्फ ही नहीं बेच रहा हूँ, ये सस्ता वाला सर्फ है, ठीक है, वो मैं 2.5 क्विंटल बेचता हूँ। तो 3-4 क्विंटल महंगा वाला सर्फ बेचता हूँ, जो कि वो महंगा वाला सर्फ मैं 45 रुपया किलो बेचता हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके 2 साल में इतना आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद मशीन भी खरीद लिया हूँ, और ये भी नहीं, इसमें और भी सारे बहुत सारे 12-13 प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये सर्फ जब आप बनाते हैं तो डेली का कितना सेल हो जाता है, कितना क्विंटल आपका सेल हो जाता है? सर्फ मैं 2 तरह का बनाता हूँ। अच्छा। एक महंगा और एक सस्ता। जो सस्ता है वो समझिए कि घड़ी सर्फ से लेकर व्हील सर्फ जो भी है उस मुकाबले में आ जाता है, तो वो मैं 40 रुपये किलो बेचता हूँ। और जो महंगा सर्फ है वो 45 रुपये बेचता हूँ। जैसा सर्फ एक्सल हो गया, टाइड हो गया, उस हिसाब से वो मैं बनाता हूँ। तो सर्फ एक्सल जो है, जो कंपनी सर्फ एक्सल बनाती है, वो कैसे किलो देती है? वो लगभग जो सर्फ एक्सल की कंपनी 120 रुपये किलो देती है, और मेरा यहाँ 45 रुपये किलो बिकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्फ एक्सल 120 रुपये किलो मिलता है, और यहाँ पे बिल्कुल सर्फ एक्सल जैसा क्वालिटी आपको मिलेगा केवल मात्र 45 रुपये किलो में। इतना फ़ायदा आपको मिलेगा इस सर्फ से। तो और बताइए कि अब डेली इतना सेल कर लेते हैं, आगे आपको बढ़ने का चांस है या नहीं? अब मैं आपको पहले बता दिया, मैं जब 3,500-3,000 का सामान ला कर मैं शुरू किया था, हाथों से बनाता था। धीरे धीरे मैं मशीन भी लगा लिया हूँ। यही नहीं, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, ईजी, हैंड वॉश, डिश वॉश, नहाने वाला साबुन, कपड़े वाला साबुन, ये मैं कम से कम 8 या 9 प्रोडक्ट है जो कि मैं बनाता हूँ। ये सारा प्रोडक्ट आप बनाकर
खुद अपना दुकान किए हैं या गांव में घूम घूम कर सेल करवाते हैं? ऐसा है, मैं इसका कोई लिफाफा जो छपाई नहीं किया हूँ, सादा पैकिंग कराता हूँ और सादा बेचता हूँ। जब लिफाफा पैकिंग हो गया तो समझ लीजिए 2-3 रुपये और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें GST भी जुड़ जाएगा? उसमें GST जुड़ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, GST नहीं जुड़ता है। लेकिन सर्फ जो है बढ़िया क्वालिटी का बनता है, लोग बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप भी ऐसा आप फैक्ट्री आप घर का घर पे आप ऐसा फैक्ट्री खोल सकते हैं, जीरो से शुरुआत कर सकते हैं। इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, खोलकर अपने घर पे गांव में शहर में घूमकर आप बेच सकते हैं या किसी से बेचवा सकते हैं या दुकान में भी आप सेल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारे होम प्रोडक्ट गुरु का जो मालिक है ये, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मजदूर लगाकर बैठे हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि 4 मजदूर लगाते हैं, 1 मजदूर का 10,000 सैलरी है, इनसे ये क्या प्रॉफिट कर पाते हैं, कैसे ये मैनेज कर पाते हैं इतने काम से, बताइए। मेरा खाली सर्फ का ही काम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दिया कि 8-9 तरह का मैं और भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो सारे से मैनेज करता हूँ। ये तो खाली सर्फ ही आपको दिखा रहा हूँ, और मेरा वीडियो और भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैं बना के आपको भी दिखाया हूँ और मैं बनाता रहता हूँ। इसमें सर्फ में वैसा सोचा जाए तो ज़्यादा फायदा नहीं होता है, अगर ज़्यादा फायदा सोचेंगे तो सर्फ अच्छा नहीं बना सकते हैं आप। तो ये सोचिए कि आपको 2-3 रुपया सर्फ के पीछे मिल जाए, किलो के पीछे, ये बहुत होता है। सारे खर्चा काट के 2-3 रुपये मिल जाए बहुत होता है। इससे आपको मान लीजिए कि आज 4 क्विंटल बेच दिए, 2 रुपये ही मिला, 2 रुपये मिला तो 8,000 रुपये हो गया। 4 क्विंटल बेच दिए तो 2 रुपये के हिसाब से 800 रुपये हो गया। वैसे भी और सारे प्रोडक्ट है जिसमें से 2-3 हज़ार रुपया तक डेली बच जाता है। यानी कि 4 मजदूर आपने लगा कर रखा है तो चारों का तो 10,000 सैलरी होगा? हाँ जी, चारों तो मान लीजिए 4 आपने मजदूर लगाया है, 40,000 महीने का हो गया। हाँ जी, तो मजदूर को दे के भी आपको बचता है कि नहीं? मजदूर को दे के भी 3,000 से 3,500 रुपये तक डेली बच जाता है मेरा। चलिए, ये तो देख सकते हैं कि मजदूर 4 मजदूर लगाए हुए हैं, इनको सैलरी देकर भी ये 3,000, 3,500, 4,000 तक कमा लेते हैं। ये समझ लीजिए एक पार्ट टाइम बिजनेस है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, इस तरह का आप कारोबार कर सकते हैं, घर पे कहीं भी हो आप खुद अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मेरे पास एक अच्छा मजदूर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही मेहनती दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इनके पास जा रहा हूँ। हाँ भाई साहब। हाँ जी, आप बताइए आपको सैलरी कितना मिलता है? सैलरी 12,000। 12,000? हाँ। अच्छा, इनका 10,000 मिल रहा है, आपको 12,000 मिल रहा है। मैं बहुत पुराना हूँ ना। अच्छा, पुराना हो गए हैं आप? हाँ जी। ये सारा काम जानते हैं? हाँ, मशीन वही चलाता हूँ। अच्छा, मशीन आप भी चलाते हैं? हाँ। ठीक है, तो ये बताइए ये लोग तो पैकिंग वाले हैं। अच्छा, ये पैकिंग वाले हैं। हाँ, मटेरियल ट्रे डालना होता है तो वो हमारे को बता दिए हैं कितना कितना डालना है। ठीक है, ठीक ना, तो इसलिए मेरा 12,000 है, मैं शुरू से हूँ। ठीक है, तो ये बताइए कि डेली आप कितना पैकिंग करवा देते हैं? इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना जैसा ऑर्डर आता है वैसा लिमिट होता है। अच्छा, ऑर्डर आता है? हाँ, आज मान लीजिए कि ये 2 क्विंटल का ऑर्डर आ गया तो एक पार्टी को 2 क्विंटल दे दिए, कोई ठिकाना नहीं है। कभी किसी का 4 क्विंटल के भी आ जाता है कि किसी दिन नहीं भी आता है, लेकिन नहीं आने वाला सवाल ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऑर्डर आता ही है। अच्छा, तो इसके अलावा और कुछ भी बनाते हैं? फेरनाइल हो गया, इजी हो गया, सर्फ हो गया, फिर से शैम्पू हो गया, हैंड वाश हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, ये सब बनता है।
अच्छा है, फिर से कांच वाला हो गया, क्लीन जो हाँ। कांच पे मारते हैं क्लीनर वो हो गया, बहुत तरह के प्रोडक्ट है, कम से कम 22 प्रोडक्ट है। अच्छा 22 प्रोडक्ट बनाते हैं आप लोग? हाँ जी ठीक है, 20-22 है, मतलब गिनती मैं नहीं मारा हूँ, लेकिन 20-22 प्रोडक्ट है। अच्छा तो सेल करने के लिए आपको क्या किसी आदमी को घुमाया जाता है गांव-गांव में कि दुकान में रखा जाता है? नहीं, सेल सूल तो ऑर्डर पे ही जाता है, सेल सूल नहीं है, अपना एक दुकान है जहाँ ऑफिस है। अच्छा वहीं पे ऑर्डर आता है। अच्छा अच्छा वहाँ माल सब तैयार होकर वहाँ लोड रहता है, ऑफिस पे आता है, सारा माल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा कस्टमर है घूम कर बेचने वाले। अच्छा मोटरसाइकिल वाले साइकिल वाले ले जाते हैं, एक एक बोरी दो दो बोरी सेल करते हैं, करके अपना उन लोगों का भी रोजी रोटी चलता है, अपना भी चलता है, और अपना पास टाइम काम है सर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक छोटे से बिजनेस से 4 मजदूर का सेवा चल रहा है, यानी कि इनको काम मिल चुका है। तो इस तरह आप भी इस तरह का बिजनेस करके किसी को मजदूर बना सकते हैं, यानी उनको काम दे सकते हैं, इससे आपको भी भलाई होगा और दूसरों को भी भलाई होगा। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस तरह का फैक्ट्री आप बना सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक भी पहुँचे कि इस तरह का अगर आप घर पर ये फैक्ट्री बनाते हैं सर्फ साबुन का जो भी है, तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा। आपको मैं अब मालिक से भी बात कराया, लेबर से भी बात कराया, कैसे ये 0 से शुरू करके काफ़ी आज ऊंचे लेवल पे है कि ये इनके ऊपर ये है कि ऑर्डर आता है, इनको जाना कहीं नहीं पड़ता है, ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर पे ये माल तैयार करते हैं और सेल करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।